بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي هدان الاسلام واتم علينا النعمه वसलात वसलम अला नबी व रसूल ही मोहम्मदिन नबी तौबा वरमा अमबाद फ़कत कलामिलजीद वलमा उलहसन फ़दबीहा हमारी ये सीरीज़ अपने रब को पहचानिए इसके अंदर अब तक हमने छः एपिसोड देखे जिसके अंदर हमने सबसे पहले दस कवायद देखे जिसमें बयान हुआ कि अल्लाह रबालमिन के असमा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात का कुरान और अहादी से इस्तानाल किस तरह किया जाए इस ताल्लुक से था उसके बाद हमने छः कायदे देखे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के आसमा से ताल्लुक़ रखते थे इसमें मुकम्मल नौ कायदे हैं हम सातवां कायदा देखते हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के असमा से ताल्लुक़ रखता है सबसे पहले हर कायदे में हम एक एक चीज़ देखेंगे जो हर कायदे में हर कायदे से ताल्लुक़ रखती है वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा हुस्ना है बेहतरीन है और इसी बेहतरीन की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो कवायद हम देख रहे हैं इसी बेहतरीन से ताल्लुक रखते हैं और हर कायदे में यही चीज हम पाएंगे तो आज हमारा सातवां कायदा देखते हैं कायदा ये कहता है अस्मा उल्लाही ला तातदम्मनु ता शर्रा बिवजी मिनल्लुजू कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अस्मा के अंदर शर जर्रा बराबर भी नहीं होता कहीं से भी अल्लाह रब्लम के आसमा ना में शर नहीं दाखिल होता क्यों क्योंकि अल्लाह रबुलामीन के तमाम आसमा कुल्लुहा हसना आसमा अल्लाह ही कुल्लु हसना अल्लाह रब्लामीन के तमाम के तमाम नाम बेहतरीन है अल्लाह रब्लामीन के जो भी नाम है जो भी सिफत है सब के सब बेहतरीन है खूबसूरत है और इसी वजह से अल्लाह रब्लामीन के आसमा में जर्रा बराबर शर नहीं होता और जैसा कि हमने देखा कि अल्लाह रबूल आर्मी के आसमा जो है मुश्तक होते हैं अल्लाह के किसी फेल से अल्लाह की किसी सिफत से निकले हुए हैं और उसी सिफत से निकलने की वजह से मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि अल्लाह अल्लाह खालिक है के अंदर की सिफत है जो शुरू से मौजूद है अल्लाह रबालमीन ने जब मखलूक को पैदा नहीं किया तब भी अल्लाह रब्लम के अंदर खल की सिफत मौजूद थी यानी अल्लाह रब्लामीन उससे हमने एक नाम निकाला कि अल्लाह रबूल खालिक है तो इसी तरह से जब हम कहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इरादा भी करता है अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम भी करता है तो क्या हम इरादे से मुरीद और कलाम से अल्लाह रब्बुल आलमीन के आसमा का अखराज कर सकते हैं क्या हम मुरीद रब्लमिन को कह सकते हैं तो ये कायदा यह कहता है नहीं कह सकते क्यों क्योंकि अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम नाम बेहतरीन है अल्लाह रब्बुल आलमीन के आमा में ज़र्रा बराबर भी शर दाखिल नहीं होता और जब कोई मुरीद कहे तो उसके अंदर एक आदमी खैर का भी इरादा कर सकता है शर का भी इरादा कर सकता है जब मुतकलम कहा जाए यानी बात करने वाला तो बात करने वाला अच्छी बात भी कर सकता है बुरी बात भी कर सकता है इसलिए हम अल्लाह रबीन के आसमा में जर्रा बराबर शर नहीं पाएंगे और इसकी दलील अल्लाह रब्बा का फरमार वलहना रब्बुलमिन के जितने भी नाम है सबके सब क्या है बेहतरीन है इसी तरह से दूसरी दलील

अल्लाह ला इलाहा अलांत अल्लाहबीन तू बादशाह है तेरे अलावा कोई माबूद नहीं रब्बी तू मेरा रब है वह अना अब्दुक और मैं तेरा बंदा हूँ जलम तो नफसी वम तो भी अल्लाह आलमीन मैंने अपने आप पर जुल्म किया है और मुझे अपने जुल्म का अपने गुनाह का एतराफ़ है जुनू भी जमी आ तो मेरे तमाम गुनाहों की मफसरत कर दे इन नुनूब क्योंकि तमाम गुनाहों को माफ़ करने वाला सिर्फ तू ही है वह दिनी अलहसन अखलाक और मुझे बेहतरीन अखलाक बेहतरीन अदब सिखा ला यह अहसनीहत और बेहतरीन अख्लाक तू ही सिखा सकता है वह सिर्फ़ अन् सै और मुझसे बुरे अख्लाक को बुरी आदात को फेर दे खत्म कर दे ला यहां बुरी आदतों को फेरने वाला सिर्फ तू ही है लबई का वसाद वैरकुल्लुहूफी अदईक और तमाम के तमाम भलाइया तेरे हाथ में है व शर साइकिल अली बिन नबी बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ पढ़ा करते थे जिसके अंदर अल्लाह के रसूल ने इलैक कि बुराई तेरी तरफ नहीं है हम अल्लाह की तरफ बुराई की निस्बत नहीं कर सकते हकीकत है आलमीन खैर का भी खालिक है शर का भी खालिक है लेकिन यह कहना अल्लाह आलमीन की तरफ बुराई की निस्बत करना ये अल्लाह आलमीन के शायन शान नहीं है इससे एक बात और पता चली कि आज कई लोग जो कहते हैं कि जब उनसे बात की जाए किसी को समझाया जाए खास करके जो मुखलिस जहन के लोग होते हैं जब उनको समझाया जाए तो वो लोग बात बात में ये मसला लाते हैं कि अल्लाह रब्बालमीन झूठ बोल सकता है अल्लाह नौजबिल्लाबीन की तरफ हम शर की नस्बत नहीं कर सकते अल्लाह रबालमिन मुकम्मल बेहतरीन है अल्लाह रब्आलमिन हुसना है अल्लाह रबालमिन के आसमा अल्लाह रबालमिन की सिफात सबके सब सबसे बेहतरीन है हम अल्लाह रब्लम की तरफ शर की नस्बत नहीं कर सकते और अब्दुल्ला बिन अब्बास रजील तु बयान करते हैं कसस में जो अल्लाह रबालमी अल्लाह फरमाया इसकी तफसीर कहते हैं तफसीर करते हुए कहते हैं तनजी लबी ने अपने आप को ईसायत के अंदर बुराई से पाक करार दिया है अल्लाह रबालमी ने वाजी किया कि मैं बुराई से पाक हूँ मैं शर से पाक हूँ इसी तरह से मैम बिन मेहरान रमत से जब पूछा गया अल्लाह की तफसीर के बारे में पकाल तो उन्होंने कहा इसमन अजम्ह भी वहीहा शानसु अल्लाह रबूलामिन का नाम है जिससे अल्लाहबालमीन को पाक करार दिया जाता है और अल्लाह रबूलामी से बुराई को दूर किया जाता है तो ये कायदा हमने देखा अल्ह रबूलम के अस्मा के तालुक से जिसके अंदर ये था कि अल्लाह रबालमिन की तरफ हम शर की नस्बत जर्रा बराबर भी नहीं कर सकते अल्लाह रबाल के असमा में मुकम्मल तौर से खैर पाया जाता है जर्रा बराबर भी शर और जर्रा बराबर भी बुराई नहीं पाई जाती है हम आठवा कायदा देखते हैं

तो जरूरी है कि जब हम अल्लाह रब्लम को गार कहना चाहे तो साथ साथ नाफे भी कहना होगा क्योंकि अल्लाह रबालमीन के आसमा सब के सब क्या है बेहतरीन है अल्लाह रबालमिन के आसमा में खूबसूरती है अल्लाह रब्लम के आसमां हुस्ना है तो जरूरी है कि हम अल्लाह रबालमिन के आसमा को जो जुड़े हुए हैं उनको उसी तरह से पुकारे क्योंकि उनमें खैर उसी वक्त पाया जाएगा जब हम अल्लाह रबालमिन के आस्मा को उस तरीके से पुकारेंगे और अल अलसमा उलमजा के माने क्या है अलसमा उल्लफरती वो आसमा जो अकेले अल्लाह रबिन के ऊपर इतलाक नहीं किया जा सकता मिसाल के तौर पर दोहर आलमिन को अकेले नहीं कहा जा सकता बल्कि अगर कहना, हो, तो के साथ साथ नाफे कहना हो अगर अल्लाह रबीन को माने कहना हो माने यानी रोकने वाला तो साथ, साथ हमें मरती भी कहना होगा किल्ला रबी रोकने वाला है तो अल्लाह रबालमिन देने वाला भी है इसी तरह अगर अल्हबालमिन को काबिद कहना हो पकड़ने वाला तो साथ साथ बासिफ भी कहना हो कि अल्लाह रबालमिन कुशादगी करने वाला है इसी तरह अल्लाह अगर इज्जत देने वाला है तो अल्लाह रब्बालमिन क्या है जिल्लत देने वाला भी है तो ये अल्लाह रबीन के इन नामों की इन नामों खसूसिया खूबसूरती कब पैदा होती है मुजिल जिल्लत देने वाला ये कोई खूबसूरती है अल्लाह रबालमिन के इस नाम में खूबसूरती कब पैदा होगी जब हम मुजिल के साथ साथ मुइज भी कहेंगे यानी अल्लाह रबालमिन इज्जत भी देने वाला है जिल्लत भी देने वाला है इसी तरह अगर हम जहर कहे नुकसान पहुंचाने वाला तो इसके अंदर कोई खूबसूरती नहीं है खूबसूरती कब आएगी जब हम अल्लाह रब्बुल आलमीन को जहर के साथ साथ नाफे भी कहें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तकलीफ भी देने वाला है नुकसान भी पहुंचाने वाला है और नफा भी देने वाला है इसी तरह से अगर कोई कहे या मुजिल या जहर या माने तो इसके अंदर कोई खैर नहीं है कोई भलाई नहीं है तो जरूरी है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के वस्मा जो एक साथ जिक्र हुए उनका नाम एक साथ ही लिया जाए और यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था यही सेल्फ का तरीका था

और इसी तरह से मुजिल के साथ साथ मुइज कहेंगे हजरत अनस बिन मालिक रसोल सीज़ों का भाव आसमान को छूने लगा फकालू लोग आए अल्लाह के रसूल वसलम के पास और उन लोगों ने कहा या रसोल ए के रसूल सहर चीजों का भाव बहुत ज्यादा हो गया है फसा हमारे लिए चीजों का दाम मुतन कर दीजिए लोग बहुत बड़ा बड़ा कर ले रहे हैं आप एक दाम मुतन कर दीजिए अल्लाह के रसुल्ला ने फरमाया, करने वाला अल्लाह वही, वही तंगी भी करता है और वही कुशादगी भी करता है अल्लाह के वसल्लम ने भी क्या कहा काबिज भी अल्लाह है बासित भी अल्लाह अल्लाह के रसूल का भी तरीका ये था कि वो आसमान जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उनको अल्लाह के वसल्लम ने एक साथ इस्तेमाल किया अर्रादिक, रोजी देने वाला है इन्नी ला अन अल्की और मुझे उम्मीद है कि मैं अपने रब से मुलाकात करूँ वाली वाला माल और मुझसे कोई ना किसी जुल्म का शिकायत करे ना खून में ना माल में किसी तरह की किसी जुल्म का मजलूमियत का शिकायत अल्लाह अबूमिन के पास मिली ना करे इस उम्मीद से अल्लाह के रसोल ने इस दुनिया को छोड़ा और इसीलिए अल्लाह के रसोल ने क्या कियाक्राम को कहा कि अल्लाह अब्बुल आलमिन कीमतों का मुतयन करने वाला है तो इस हदीस में हम देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जहां काबिज कहा वहीं साथ साथ बासित का लफ्ज इस्तेमाल किया इसी तरह से सल्फ के अकवाल में हम कुछ बातें देखते हैं इमाम आलमिन क्या है अल्लाह रबीन हई है, है जिंदा है कायम रहने वाली ज़ात है हमेशा रहने वाली जल्काबिदासशादगी का कर, तंगी करने वाली ज़्यादात कुशादगी करने वाली जल्लाह की है इजा हर रखाफाशाहमाशाह अल्लाह आलमीन जो चाहता है करता है जिस तरह चाहता है करता है अल्लाह आलमीन दुनिया में जो चाहता है करता है वही काबिज है वही बासित है इसी तरह से इमाम इब्ने रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं फल्लाहु अल्लाह आलमीन ही नुकसान देने वाला है और अल्लाह आलमीन ही नफा देने वाला है अल मुदिल अल हादी गुमराह करने वाला भी अल्लाह है हिदायत देने वाला भी अल्लाह है यफ़ अलमायशाकुमायूरीद जो चाहता है करता है जो फैसला चाहता है वो फ़ैसला करता है ला हुक्मी लाआबली वाली अल्लाह आलमीन के फैसले के अलावा किसी का फैसला नहीं चलता और अल्लाह आलमीन के फैसले को, को कोई रद्द भी नहीं कर सकता कोई ठुकरा भी नहीं सकता वला मुनाज़ फी अमरी और अल्लाह आलमीन के मामला में उसका कोई अपोजिट भी नहीं है वला शरीक फी मुल्की और अल्लाह आलमीन की मिल्कियत में भी कोई शरीक नहीं वला गालिब लहू फी सुल्तानी और अल्लाह आलमीन की सल्तनत में अल्लाह आलमीन से ऊपर भी कोई नहीं है तो यहाँ पर भी हम देखे इबन बहमत ने भी अब के साथ अनाफ़े का लफ्ज इस्तेमाल किया और अल मुदिल जब अल्लाह आलमीन गुमराह करने वाला है तो साथ साथ कहा अल हादी कि अल्लाह आलमीन हिदायत भी देने वाला है तो ये दूसरा कायदा हमने देखा आज के इस दर्स में जिसके अंदर हमने देखा कि अल्लाह रब्बालमीन के वो आसमां जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उन उनमा में अल्लाह रब्बालमिन को एक साथ ही पुकारा जाएगा उन उनमा का इस्तेमाल एक साथ इस्तेमाल एक साथ उन आसमा को इस्तेमाल में लाया जाएगा इसी तरह से अल्लाह रब्बालमीन तो के आसमा के ताल्लुक से आखिरी कायदा जो नौवा कायदा है वो ये आसमा अल्लाह गैर मखलूक़ा कि अल्लाह रब्बालमीन के आसमा मखलूक नहीं है अल्लाह रब्लामी की जात इस बात पर सबका ईमान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात कीखलूक नहीं है वो खालिक है सारी दुनिया को वजूद में लाने वाली है अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात भी मखलूक नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिक है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जो खल की सिफत है वो भी मखलूक नहीं है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जी सिफत है अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम की जो सिफत है वो भी मखलूक नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम करता है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जती सिफत है इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन के असमा भी मखलूक नहीं है क्यों क्योंकि जब अल्लाह की सिफात ही मखलूक नहीं तो जिनसे वो सिफात जो आसमा निकले हैं जिन सिफात से जो क्वालिटी और जो खसूसियात अल्लाह रब्बुल आलमीन के हैं जब उनसे अल्लाह रब्बुल रब्आलमी ने अपने नामों को निकाला तो यकीनी बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के वसमां मखलूक नहीं है और यही एक कायदा कहता है कि आसमा अल्ला गैर मखलूक अल्लाह रब्बुल आलमीन के आसमा मखलूक नहीं है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के तमाम के तमाम नाम क्या है हुस्ना है बेहतरीन है हम देखिये कि अल्लाह आलमीन फरमाता है सब हिस्मा आला कि अपने रब के नाम की तस्बीह बयान करो जो बहुत बुलंद बुलंदबाला है जो बहुत आला मकाम वाला है ऊंचे दर्जे वाला है अल्लाह आलमीन आला है तो क्या कहा अल्लाह आलमीन ने अपने रब के नाम की तस्बीह बयान करो यहाँ पर हम देखे कि अल्लाह रब्लिन ने तस्बीह जो बयान करने का मामला है कि तस्बीह किसी मखलूक की नहीं होती अगर किसी की तस्बीह जो लफ्ज़ है सब जो लफ्ज़ है अगर बड़ाई बयान करना हो तो मखलूक की तस्वीर बयान करने का अल्लाह रब्बालमी ने कहीं हुक्म नहीं दिया शुक्र अदा करने का हुक्म दिया है कि मखलूक का शुक्र अदा किया जाए मद का हुक्म दिया है कि मखलूक की तारीफ की जा सकती है लेकिन किसी की तस्बी अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा नहीं बयान की जा सकती अगर किसी की तस्वीर बयान करना हो किसी को पाक करार देना हो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह आलमीन की जात है तो यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा अपनी तस्वीर बयान करने का हुक्म नहीं दिया बल्कि कहा कलाला, अपने की नाम की तो रब की तस्वीर बयान करो तो यहाँ पर अल्लाह रबी ने वाजे किया कि अल्लाह किबीन के आसमां मखलूक नहीं है क्यों क्योंकि अगर मखलूक होते तो अपने नामों की तस्वीर बयान करने का हुक्म नहीं देता तो यह आयत वाजे करती है किबूलिन के आसमा गैर मखलूक है अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि माबन व कि जिस किसी को भी कभी कोई तकलीफ या गम है, कोई मुसीबत पहुंचती है तेरे बंदे का बेटा हूँ वह इबन अमतिक और तेरी बंदी का बेटा हूँ नास मेरी पेशानी तेरे हाथ में है माद उनफिया मेरे बारे में तेरा फैसला हो चुका है अदलिया कदाउक और तेरा फैसला मेरे बारे में इंसाफ वाला है अदल वाला है, दुआ करता हूँ जो तेरा है, ही नफसक, जो नाम खुद अपने रखा है। और खल्किक या तूने अपनी मखलूक में से किसी को सिखा दिया है और अनजल तहु किताबिक या अपनी किताब में तूने उतारा है तूने अपने इल्म गैब में उसे महफूज रखा है तो यहाँ पर हम देखे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ में क्या फरमाया फरमायाबसक तू ने अपना नाम खुद रखा है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन के किसी केखलूक ने नहीं रखे अल्लाह के अलावा किसी और को अल्लाह के नाम रखने का हकी नहीं है क्यों क्योंकि सामने वाला जानता ही नहीं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की कितनी सारी खसूसियात है क्या क्या खसूसियात है अल्लाह रब्बुल आलमीन कितने ऊंचे मकाम वाला है बहुत ऊंचे दर्जे वाला है अल्लाह रब्बुल आलमीन पाक है हर तरह के ऐप से और मखलूक उसके जहन में उसकी सोच में ऐप पड़ा हुआ है इस हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लासम ने वाजे किया समई तभी ही कि अल्लाह रब्आमिन तूने अपना नाम खुद रखा है तो इस दुआ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजे किया कि अल्लाह अब्आलमिन का आसमा किसी और ने नहीं रखा किसी मखलूक ने नहीं रखा बल्कि अल्लाह रब्बालमिन हर तरह के ऐप से पाक है मखलूक के जहन में ऐब है बुराइयां है वो कुछ भी रखेगा कोई भी चीज़ सोचेगा तो उसकी सोच छोटी है वो अपनी हद तक सोचेगा और उसके बाद वो किसी चीज़ का नाम रखेगा जिसके अंदर कमी रहेगी नक्स रहेगा लेकिन अल्लाह रबीन की ज़ात में अल्लाह रबीन की सिफात में यहाँ तक कि अल्लाह रबाल आलमिन के नामों में भी जरा बराबर नक्स नहीं है जरा बराबर कमी नहीं है बल्कि वो मुकम्मल तौर से हुसन है बेहतरीन है और इसी वजह से रबालमिन अपना नाम खुद रखने वाला है और अल्लाह रबालमिन के आस्मा मखलूक नहीं है बल्कि वह गैर मखलूक है इमाम शाफई रमतल आ फरमाते हैं मन हल्फाबी बिन अस्मा फ़हन फल्कफ़ारा की जिस किसी ने अल्लाह रबीन के नामों में से किसी नाम की कसम खाई या जैसे कहा रहमान की कसम रहीम की कसम रजाक की कसम किसी भी नाम की कसम खाता है फनस और कसम को तोड़ देता है फलफारा तो उसके ऊपर कफारा है लिया इसम गैर वखलूब इसलिए कि अल्लाह रब्लम के नाम अल्लाह रबीन के اسماء गैर मख़लूक है इमाम शाफी ने वाज़े किया कि अल्लाह आलमीन के आस्मा मखलूक नहीं है वमन हल्फा बिलकाबत और अगर कोई काबा की कसम खाता है और मरवा या सफा और मरवा की कसम खाता है फलही सल कफ्फारा और कसम को तोड़ देता है तो उसके ऊपर गफ्फारा नहीं है ये अन्ना मखलूक क्यों क्योंकि ये मखलूक है और गैर मखलूक और रबालीन के आस्मा मखलूक नहीं है वो गैर मखलूक है और गैर मखलूक जब अल्लाह रबालमिन की ज़ात है अल्लाह रबालमिन की सिफ़ात है अल्लाह अल्लाबमिन के आसमा है तो हम यकीन के आसमा की कसम खा सकते हैं इसी तरह से दूसरी दूसरा कौल इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतल्ला फ़रमाते हैं इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतल से जब पूछा गया माँ तकुलफीमन कला उस शख्स के बारे में आप क्या कहते हो जो कहे कि आसमां मखलूक़ आल्लाब आलमिन के आसमां मखलूक़ है तो इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतल ने वाज तौर से कहा काफिर ऐसा आदमी काफिर है अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन के का तमाम के तमाम मखलूक नहीं, थे नहीं। है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात गैर मखलूक है अल्लाह रब्बुल आलमीन के आसमा गैर मखलूक है अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफ़ात गैर मखलूक है अगर कोई इनमें से किसी को मखलूक कहता है फाह हुआ का इमाम अहमद बिन रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है कि ऐसा आदमी काफ़िर है फिर इमाम अहमद बिन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अल्लाहु मिन आसमा कि अल्लाह लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम में से है तो अगर कोई ये कहता है कि ये बाद में किसी मखलूक ने अल्लाह रबीन का नाम रखा है वो ये समझता है कि अल्लाह रब्लम मखलूक है क्योंकि किसी के वजूद में आने के साथ साथ वजूद में आने के साथ साथ उसका नाम पड़ जाता है जब एक इंसान पैदा होता है तो लड़का है या लड़की नाम पड़ जाता है ये लड़का है या लड़की है लेकिन अल्लाह रबालमीन अव्वल है और आखिर अल्लाह रबालमीन वजूद में आने वाली ज़्यादात नहीं है अल्लाह रब्लम की अल्लाह रब्आलमिन वही अव्वल है वही आखिर है तो जब अल्लाह रब्आलमिन गैर मखलूक है तो यकीनन लफ्ज अल्लाह भी गैर मखलूक होगा और जब लफ्ज अल्लाह गैर मखलूक होगा तो अल्लाह रब्आन के अंदर जो सिफ़ात है वो तमाम के तमाम गैर मखलूक होगी जब अल्लाह रब्लम की तमाम सिफ़ात गैर मखलूक होगी तो उन सिफात से जो नाम निकाले गए हैं मिसाल के तौर पर अल्लाह रबालमिन की सिफात है रिस्क देने वाला तो जब अल्लाह रब्लम की एक सिफात से रज़्ज़ाक नाम निकला तो यकीनन ये नाम भी क्या होगा गैर मखलूक होगा तो ये नवा कायदा हमने देखा जो हम पर वाजे करता है कि अल्लाह रबीन के नाम मखलूक़ नहीं है बल्कि अल्लाह रबालमीन के तमाम के तमाम नाम गैर गैरमखलूक़ है लिहाजा अल्लाब आमिन हमें हिदायत दे कि हम अल्लाह रबालमीन के अस्मा सिफ़ा को समझें अल्लाह रब्आलमिन के नामों में जो अल्लाह रब्आलमिन की खसूसियात है जो हकूक़ है उन्हें पूरा करें उनके अंदर ज़र्रा बराबर कोतही ना करें अल्लाह रबीन हमें इस बात की तोफ़ी दे आमीन वख्रदावाना अनिलहमदिल्ला रब्लम अगले सेशन से इनशा हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सिफात के तलुक़ से चंद कायदे देखेंगे इनशाला ज़रूर सुनिए बहुत मुफीद कवायद होंगे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की सिफात में कई सारे इश्काल लोगों के जहन में आते हैं वो तमाम के तमाम इश्काल वो तमाम की तमाम कोताहिया और कमियाँ जो लोगों के जहन हैं वो दूर होंगी इनशाला आलमीन हमें समझने की तोफ़ी अता फरमाए आमीन واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل <applause> ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا.